हेलो नमस्कार एवरीवन इजराइल हमास हमाशवार के बीच में आज एक नई खबर आया है दैट इज कॉल्ड द ह्यूमनिटेरियन पॉज मींस मानवीय विराम गाजा में लगाया गया है मानवीय विराम और इसको कुछ कंट्री के मध्यस्थता के कारण ऐसा हुआ है उन्होंने वो फैसिलिटेट किया है बाय सम कंट्रीज सो इन दिस वीडियो वी विल सी एक्चुअली या ह्यूमिटेरियन पॉज क्या है एक और टर्म आता है सीज फायर दैट इज कॉल्ड युद्ध विराम तो दोनों में एक्चुअली अंतर क्या है वट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूनिटेरियन पॉज एंड द युद्ध विराम क्लियर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ये न्यूज क्या है क्यों है अभी यह क्यों करेंट अफेयर्स में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अभी थ्रू दिस वीडियो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ह्यूनिटेरियन पौज में क्या क्या होता है उसके बाद में थोड़ा सा हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट ह्यूनिटेरियन पौज एंड सीज फायर सीज फायर उसके बाद में थोड़ा सा इसका कंक्लूजन करेंगे कि व्हाट इज द कंक्लूजन मीन्स सीज फायर से क्या फायदा है क्या नुकसान है इजराइल का क्या व्यू है पेलेस्टेनियन का क्या व्यू है और जो जो मध्यस्थता किए हैं जो कराए हैं उनका क्या व्यू क्या है ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए चलिए शुरू करते हैं क्यों यह न्यूज है वाई इट इज इन द न्यूज क्यों यह चर्चा में है आज यानी 22 नवंबर 2023 को कतर ने अनाउंस किया है कि वह सक्सेसफुली मेडिएशन करने में मध्यस्थता का करने में सफ, सफल रहा बिटवीन इजराइल एंड हमास क्लियर और जिसके कारण एक एग्रीमेंट हुआ द्यूनिटेरियन पौज मानवीय विराम इसको बोलते हैं हिंदी में इन द मानवीय दैट इज द फैसिलिटेटेड बाय थ्री कंट्रीज यार कत्तर इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट इसमें बहुत बड़े भूमिका निभाए हैं यह ह्यूनिटेरियन पौज मानवीय विराम में यह जो पॉज होगा वह चार दिन तक होगा आज 22 है अगले चार दिन तक यह होगा लेकिन हो सकता है अगर दोनों में विचार हो जाए हमास और इजराइल में तो मे बी एक्सटेंड आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है क्लियर आगे बढ़ाया जा सकता है क्लियर सो यह अनाउंस किया है कतर ने अनाउंस किया है कतर ने कि चार दिन के लिए होगा और अगर दोनों में मर्जी हो गया कुछ इस तरह का अपने एग्रीमेंट हो गया तो एक्सटेंड भी किया जा सकता है क्लियर तो जो यह ह्यूमिटेरियन पॉज यानी मानवीय बीरान जो वारन टॉन्ड गाजा है वह सिविलियन के लिए एक बहुत बड़ी फायदा होगा सिविलियन के लेकिन यह ह्यूनिटेरियन पॉज सीज फायर नहीं है युद्ध विराम नहीं है जबकि बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप और एक्टिविस्ट ने मांग किया था कि नहीं सीज फायर होना चाहिए लेकिन यह ह्यूनिटेरियन पॉज आया है अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है ह्यूनिटेरियन पॉज व्हाट इज द ह्यूनिटेरियन पॉज देखिए एरा ए, कतर और ये इजिप्ट और यूएसए के द्वारा यह सीज फायर किया गया है सीज फायर किया गया एरा इजराइल और ये रहा छोटा सा गाजा पट्टी गाजा हमास यहीं से बम्बारिंग करता है या इजराइल पर क्लियर सो देखिए एक्चुअली ह्यूनिटेरियन पौज क्या था? नाम से ही पता चल रहा है ना मानवीय विराम मीन्स क्या होगा यह एक टेम्पररी युद्ध विराम होगा टेम्पररी द प्योरली ह्यूमिटेरियन पर्पस या मानवीय उद्देश्य के कारण यानी सिटीजन को जो तकलीफ हो रहा है उनको थोड़ा सा उनके ध्यान में रख के यह पॉज किया गया है और इस या एक डिफाइंड एरिया में होता है अकॉर्डिंग टू यू यूनाइटेड नेशन का या है कि दैट इज इज पॉज द टेम्पोर ऑफ हॉस्टेलिटी या अस्थायी रूप से युद्ध विराम है जो प्योरली इसका पर्पस होता है मानवीयकरण मीन ह्यूनिटेरियन क्लियर या यूजुअली जो होता है इसमें डिफाइंड एक एरिया होता है कि इस एरिया में अब युद्ध नहीं होगा बिकॉज ऑफ द सिविलियन बिकॉज ऑफ द ह्यूमिटेरियन ना? है ना मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए जो सिविलियन है उनके लिए क्लियर एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइंड पीरियड जो चार दिन अभी सुन ले स्पेसिफिक एरिया के लिए या ह्यूमिटेरियन एक्टिविटी करने के लिए किया जाता है है ना जैसे वहाँ पे उनको राशन पहुँचाना वहाँ पे उनको दवाई मेडिकल वगैरह करना सो so यह अनाउंस किए हैं कतर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लेकिन इनमें अभी तक जब मैं न्यूज़ बना रहा हूँ कोई एग्जैक्ट जोग्राफ़ी इन्होंने नहीं बताया कि किस एरिया में होगा अगर उन्होंने ऐसा नहीं बताया तो ऐसा माना जा रहा है कि सारे गाजा में भी हो सकता है है ना लेकिन टाइम इन्होंने अनाउंस किया है कि चार दिन तक ये रहेगा और इन्होंने ये भी बोला कि यह एक्सटेंड किया जा सकता है अगर निगोशिएशन सफलतापूर्वक हो गया दोनों कंट्री में क्लियर अब देखेंगे कि इस ह्यूनिटेरियन फौज में होता क्या है क्या किया जाता है इसमें ह्यूनिटेरियन फौज नाम से ही पता चला ह्यूनिटेरियन मेजर किया जाता है वो काम किया जाता है जो मानवाधिकार के लिए सिविल सिटीजन के लिए अच्छा हो है ना उनको अच्छा हो तो उसके अनुसार हॉस्टेलिटी भी बनाते हैं जो इजराइल वाले हैं वह वा फिलिस्तीनियों को हॉस्टेलिटी में रखे हैं फिलिस्तीन वाले हैं इजराइली को रखे हुए हैं तो एक्सचेंज होते हैं तो उनके अनुसार फिफ्टीन सिविलियन ओमन एंड चिल्ड्रेन जो होस्टेड में है गाजा स्ट्रीट में उसको रिलीज़ किया जाएगा और इसके बदले में जो है प्लेस्टेनियन ओमन एंड चिल्ड्रेन जो इजराइल के पास है वो रिलीज करेंगे क्लियर और यह पॉज का मतलब है कि ह्यूनिटेरियन कॉन इंटर करेंगे उस एरिया में रिलीफ ऐड होगा और जो ह्यूमिटेरियन नीड्स के लिए जो भी फ्यूल जरूरत है वह प्रोवाइड कराया जाएगा क्लियर ह्यूनिटेरियन पॉज में अब हम देखते हैं कि एक्चुअली सीज फायर क्या होता है अकॉर्डिंग टू यूएन देखिए सीज फायर नाम सही पता चल रहा है यह थोड़ा सा बड़ा होता यह सीज फायर मच फर्दर यूएन के डिफाइन किया जाता है कि दैट इज सीज फायर मतलब क्या फाइटिंग सस्पेंडेड मींस या लड़ाई झगड़ा जो होता है या सस्पेंड हो जाता है क्यों चूंकि दोनों पार्टी एग्रीज होते हैं एक पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत पोलिटिकल प्रोसेस के तहत क्लियर और इसका गोल जो होता है कि पार्टी इंगेज होते हैं डायलॉग में और परमानेंट सेटलमेंट होता है या? यानी अब युद्ध नहीं होगा युद्ध विराम या क्या है मानवीय विराम यानी थोड़ा सा सिटीजन को देखभाल करके उनको ऐड करके फिर युद्ध शुरू कर देंगे जैसे चार दिन है पांचवा दिन शुरू कर देंगे बट यहां के पॉलिटिकल एग्रीमेंट यह नहीं है ये तो उनको भी बताया कतार टर्की और यूएसए इनको भी बैठ के समझा दिया ये चार दिन तक आप लोग बम गोला बारूद नहीं फेंकेंगे क्लियर लेकिन जो सीज फायर होता है युद्ध विराम जिसे हिंदी में बोलते हैं दैट इज द परमानेंट पॉलिटिकल सेटलमेंट क्लियर मींस यह ह्यूमिटेरियन पॉज के ठीक विपरीत क्या है है ना जो ह्यूनिटेरियन पॉज में क्या होता है लिमिटेड स्कोप होता, होता है इसका जैसे डिफाइंड एरिया है डिफाइंड टाइम है सीज फायर लॉन्गर टर्म अरेंजमेंट होता है इसमें स्टॉप फाइटिंग युद्ध एकदम खत्म हो जाता है और और एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिकल सोल्यूशन निकाला जाता है कि जैसे ये जगह आप ले लीजिए ये जगह इनको दे दीजिए इस तरह का कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकला निकाला जाता है तब सीज फायर होता है सीज फायर होता है तो यह जो ऑन गोइंग प्लेस्टेनियन में या अभी हम बोलेंगे कि यह इसका जो ह्यूमिटेरियन पॉज है या मोटिवेश या जो इनका एम था युद्ध विराम का वहां तक नहीं पहुंचा या एक अस्थायी रूप से युद्ध विराम इसको बोल सकते हैं क्लियर अब हम देखेंगे कि यह इसका कंक्लूजन यानी सीज फा ह्यूमिटेरियन पौज को बोला जाता है ऐसे बड़ा अच्छा वर्ड है दैट इज स्मॉल बैंडेज ऑन द ओपन वाउंड यानी जो खुला हुआ एक घाव है इंजरीज है उस पर एक छोटा सा बैंडेज लगा दिया गया चलिए है ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग तो छोटा सा बैंडेज लगा दिया है ना सो so इजराइल अब इजराइल का क्या स्टेटमेंट है क्यों नहीं चाहते हैं इजराइल सीज फायर चूंकि उनका कहना है सीज फायर को स्ट्रांगली अपोज करते हैं उनको कहना है कि अगर हम सीज फायर करेंगे तो जो हमास ग्रुप है हो सकता है री ग्रुप कर ले फिर कोई योजना बनाने लगे जैसे सेवन अक्टूबर को अचानक मिसाइल दागने लगे फिर योजना बना के अचानक युद्ध शुरू कर दे तो इसीलिए अभी हम लोग वी आर एट वार हम लोग अभी वार में ही है यह एक ह्यूमनिटेरियन पॉज है और हम लोग जब तक कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते या वी विल कंटिन्यू द वार और मेरा अचीव क्या है हमास को मा को इस तरह की गतिविधियों में रीग्रुप करने से रोकना मीन्स उनको खत्म करना तो क्या होगा एक स्मॉल बैंडेज ऑन एन ओपन बाउंड एक बहुत बड़ा घाव या इंजरीज पे छोटा सा बैंडेज हो गया छोटा सा बैंडेज हो गया सो जो भी सीज फायर के लिए एडवोकेट कर रहे हैं वो वकालत कर रहे थे उनका कहना है कि इसका तो कोई मीनिंगफुल नहीं हुआ कि पीस लास्ट ही करेगा मीन्स कुछ समय के बाद क्या होगा फिर शुरू हो जाएगा वार है ना तो उन्होंने बोला कि उन्होंने थोड़ा सा सब्र किया कि चलो यह ह्यूमिटेरियन पॉज चार दिन तो है चार दिन में हो सकता है कि किसी तरह का कोई मेडिएशन करने के बाद मध्यस्थता करने के बाद और कुछ निकल के आ जाए है ना कुछ और रीलंच निगोसिएशन कर दे कुछ अच्छा गुड फेथ आ जाए है ना तो इस तरह की जो जो हमारे जो वकालत करने वाले थे सीज फायर का युद्ध विराम का उनका ऐसा कहना बट एस राइट नाउ इट इज़ द वेरी वेरी रिलीफ फॉर द सिविलियन जो भी वहां पे सिविलियन है दोनों साइड में इजराइल में भी और हमास में भी उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला है बाय दिस ह्यूमिटेरियन पॉज दैट इज़ द फैसिलिटेटेड बाय द कतर यूएस एंड अदर कंट्रीज एंड टर्की ऑल्सो क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज एंड दिस न्यूज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरनेशनल रिलेशंस क्लियर इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा वहां से आप इसको देख सकते हैं थैंक यू वेरी मच एंड है लर्निंग थैंक यू वेरी मच